अरे अंकल, इधर एक धमाका होएगा ना, मुंबई तक आवाज जाएगा मालूम। सिलेंडर ऐसा नहीं रखने का, सुपरवाइजर बोला ना वैसा ही रखने का। वेरी गुड, संभाल के अंकल। चल रहे सर के, ये वेल्डिंग, गैस कटिंग, ये सब काम करने का ना तो गॉगल विगल हमेशा पहन के रखने का। इसे का चेहरा और आंख एकदम सेफ रहता है, समझा सर्किट? हाँ सही बोले भाई, वेल्डिंग मशीन का वैलिडिटी सर्टिफिकेट, हॉस पाइप का टेस्ट और कनेक्शन सही जगह से मांगता ना भाई, और अर्थिंग पॉइंट को भी सही जगह से लेना मांगता ना भाई। सही बोला भाई, क्या बात है, सर्किट सही जा रहा है एकदम। क्या ना, गैस से भरे हुए सिलेंडर के साथ लापरवाही बोले तो एकदम डेंजरस। डेंजर, एक झटका हुआ कि सब लोग एक साथ टपकेगा, समझा? हाँ भाई, चल आजा। ये सही है सर्किट? हाँ, लेकिन नो वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नो वेल्डिंग, नो गैस कटिंग भाई, बस। हाँ। ये मामू, ये वेल्डिंग हेलमेट तेरे को ठसन के वास्ते देना क्या? अरे वेल्डिंग हेलमेट नहीं लगाएगा तो पक्का बैटरी गुल, अखी लाश स्टिक पकड़ के चलेगा, समझा? हाँ। अभी तो लगा ले मेरे भाई। हाँ, मान गया भाई, समझ गया रे। चल आजा। गैस कटिंग करने का है तो पहले होस पाइप चेक करने का, वरना वरना भाई हो जाएगा। मटेरियल हैंडलिंग बोले तो माल का ट्रांसपोर्ट। हाँ। ये सबसे मेहनत वाला काम है। हाँ। इसको क्या वर्कर लोग भी करता है और मशीन लोग भी, यानी कि ये क्रेन, हाइड्रा, ये सब भी। हाँ। ये सर्किट इधर। हाँ। इसको करने का ना दो स्टेप। हाँ। हाँ। स्टेप नंबर वन। हाँ। माल को इस जगह से उस जगह लेके जाना। हाँ। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। स्टेप नंबर टू, माल को सही जगह पे सही तरीके से लगाने का, यानी कि स्टैकिंग। और क्या, जो वर्कर लोग अपने हाथों से काम करते हैं ना। हाँ। तो सही हेलमेट, बूट, ग्लव, ये सब पहनने का। अब जैसे अपना पोपट भाई, पोपट भाई इधर आओ ना एक मिनट प्लीज, दौड़ क्या। हाँ। ये देखो कितना रेडी लग रहा है, वेरी गुड पोपट, वेरी गुड, जाओ आप काम पे लग जाओ। और क्या ना, सुपरवाइजर जिधर बोले माल उधर ही लगाने का, माल स्टैक उधर ही करने का, समझा? हाँ। चल आ जा। एकदम बराबर बोले भाई। क्रेन और हाइड्रा के साथ काम करने का ना तो सबसे पहले साइट को बैरिकेड करने का, सामान को ठीक से बांधने का, रस्सी वस्सी लगा के, फिर क्रेन का कैपेसिटी, बूम लेंथ, रेडियस, एंगल, सामान का वजन विजन, ये सब चेक करके लेने का, टेस्टेड और सर्टिफाइड बेल्ट स्लिंग यूज करने का, वायर रोप यूज करने का। जब तक ये सिग्नल मैन इशारा नहीं करे ना तब तक सामान ऊपर नहीं उठाने का, और एक बार सामान उठा लिया ना उसका नीचू कोई वर्कर को कभी भी नहीं जाना मांगे। एकदम सही बोले भाई आप, भाई आप एकदम जीनियस हो। हाँ भाई, चल रहे आजा। पाइप स्टैकिंग ठीक से नहीं किया ना सर्किट तो सिर्फ एक का नहीं, सब लोगों का लाइफ को डेंजर है मालूम। जैसा सुपरवाइजर बोला ना वैसे स्टैकिंग लगाने का। सही बोला सर्किट, चल आजा। क्या रे मामू, सब कुछ छोड़ के तू इधर सोने लाए, ये माल गिरेगा ना तो तेरा हड्डी भी नहीं मिलेगा। कंस्ट्रक्शन साइट पर सोना बोले तो हमेशा के लिए सो जाना, जाग जाओ, आ जाओ। चलो क्या भाई, किधर भी सोते हैं ये सर्किट। हाँ। एक बात बता। हाँ भाई। अभी अपना कैपेसिटी से ज्यादा खाना खाएगा तो क्या होएगा? उल्टी होएगा भाई, है ना? हाँ। वैसे इसके साथ होएगा। हाँ। कैपेसिटी कम, लोड ज्यादा। देखा सर्किट, ज्यादा खाया और टपक गया। आग का सेफ्टी सबसे ज्यादा मांगता है। हाँ। क्योंकि छोटा सा आग ना पूरे साइट को डैमेज कर सकता है मालूम। एक बात बोलूं भाई? अरे बोलना सर्किट, अगर आग को जल्दी कंट्रोल कर लिया तो सही है, वरना एकदम भड़क जाएंगी ना। एकदम सही बोला। हाँ। इसके लिए अपना वर्कर लोग को क्या मांगता है? हाँ। एक्सटिंग्विशर और फायर कंट्रोल एकदम बरोबर आना मांगता है।
एकदम बराबर बोले भाई। सीखने का तेरे को? हाँ भाई। चल आ जा। समझा? क्या बात, वेरी गुड। हाँ समझा? हाँ एकदम। चल आ जा, हम आपको दिखाएंगे कि इसको कैसे उपयोग किया जाता है। इसको बोलते हैं CO2 4.5 kg एक्सटिंग्विशर। हाँ। इसको इलेक्ट्रिक फायर पर उपयोग किया जाता है। अच्छा। ठीक है, सबसे पहले इसका डिस्चार्ज ट्यूब सीधा कीजिए। हाँ। हैंडल से पकड़िए। हाँ। और सेफ्टी पिन निकालिए। हाँ। ठीक है, और हाँ। उसके बाद एकदम सॉलिड वॉस। भाई लोग, तुम लोगों को अपना और अपना प्लांट का सेफ्टी यानी कि सुरक्षा गिरी मांगता है तो भाई से एक वादा करना पड़ेगा, एक छोटा सा प्रॉमिस। आज से साइट पर कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, बस थोड़ा सा भेजा, थोड़ी सी सावधानी और बहुत सारा सुरक्षा गिरी लेके चलना होगा। कभी कोई डैमेज नहीं होगा, भाई का वादा है। तो बोलो हो तैयार? हाँ। तो भाई लोग कसम खाओ इस सर्किट। हाँ तो भाई लोग मां की कसम खाओ। हाथ उठा के कसम खाओ। ए शाड़े हाथ उठा। बोलो भाई। हाँ हाँ, मेरे साथ बोलो भाई लोग, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी जिंदगी मेरे परिवार और मेरे कंपनी के लिए बहुत कीमती है। मेरी जिंदगी मेरे परिवार और मेरे कंपनी के लिए बहुत कीमती है। मैं एक अपाहिज की जिंदगी नहीं जीना चाहता। मैं एक अपाहिज की जिंदगी नहीं जीना चाहता। मैं सभी सुरक्षा नियम और तौर तरीकों का पालन करूंगा। मैं सभी सुरक्षा नियम और तौर तरीकों का पालन करूंगा। मेरे सुरक्षा नियम ही मेरा सुरक्षा कवच है। भाई शाबाश, हो गया ना बस अभी क्या। और अगर हम लोगों ने थोड़ा सा ध्यान दिया, थोड़ा केयरिंग से काम लिया तो सबका कितना फायदा हो सकता है। एक्सीडेंट को जानबूझकर नहीं करता, लेकिन ट्राई करेगा तो होने वाले एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। करेक्ट बोला सर्किट। अगर अपन लोग थोड़ा सा रूल्स फॉलो किया, थोड़ा भेजा यूज किया, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम लिया ना, तो इसमें हम सबका ही नहीं पूरी कंपनी पूरी कंट्री का फायदा, प्रोग्रेस है। अपना सेफ्टी बोले तो सबका सेफ्टी। नहीं रे सर्किट, अपना सुरक्षा गिरी बोले तो सबका सुरक्षा गिरी। कार्ड जवर करने के बाद में मैं ड्यूटी में लग गया। ड्यूटी पर लगने के बाद में मैं 40 का ऊपर चढ़ा। 40 पर ऊपर चढ़ने के बाद सरिया का फाउंडेशन जो था से पलटी कर दिया। पलटी करने के कारण मेरा पैर फ्रैक्चर कर दिया। ड्रिल करते समय जो ब्रश का प्रयोग करना चाहिए, हैंगलोज का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। हैंगलोज के प्रयोग करने से ही जो बाबरी निकलता है वो तिरता है। इसी बीच तिर लेगा तो यही देना होगा जो कि मेरा हुआ है। और भाइयों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी ड्रिल कर रहे हैं वो हैंगलोज का प्रयोग कभी ना करें। सर हम गाड़ी में बैठे थे, वो प्लाई उतार रहे थे, पलाई के हीच रहे थे, गाड़ी आगे बढ़ गई, वो पलाई के नीचे हम दब गए। इसके बाद हमें सर कोई मालूम नहीं था कि कैसे निकल कर बाहर आए, कैसे आए कैसे नहीं। साथी लोग लेकर निकल आए बाहर, हम बेहोश पड़ गए। सब सुरक्षा सर ध्यान रखे थे सर, गाड़ी आगे बढ़ गई तो सुरक्षा सर मन ध्यान किया था, अब उसमें हम गिर पड़े। बचते बचते पैर बचा लिए और हम अपना शरीर नहीं तो सर उसमें हम चब जाते। मैं मशीनरी में काम कर रहा था, उस टाइम अचानक मेरा हाथ मशीन में आ गया और मेरा दो उंगली काट गया। और मैं असुरक्षित तरीके से काम कर रहा था, ऐसे तरीके से काम करना नहीं चाहिए। मैं दोस्त भाई लोगों को बोलना चाहता हूँ कि कोई असुरक्षित तरीके से काम ना करे, अपना ध्यान लगा कर काम करे और सुरक्षा नियम का सही तरीके से पालन करें।